हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशंस के बारे में। सभी साथियों को बताना चाहूँगा भाई, हरियाणा के अंदर डीएलएड का एडमिशंस का नोटिफिकेशन आ चुका था, आप लोगों ने देख लिया होगा। फिर भी यदि किसी साथी ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि साथी 23-25 सेशन हरियाणा में नहीं हो पाया था, अब 24-26 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कुछ बच्चे अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं कि कुछ हमें कम फीस में एडमिशन मिल जाए, या इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि देखो, सब अपनी अपनी जगह अपने अपने आप को चेक करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं अपने अपने कि भाई किस प्राइस में कहाँ कैसे क्या एडमिशन होगा। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, ये नोटिस है ऑफिशियल, तीसरी बार इस नोटिस को रिवाइज़ किया गया था। स्टार्टिंग में 14 जो अक्टूबर है उससे एडमिशन स्टार्ट होने की बात थी, 14 अक्टूबर के बाद में फिर से मौका मिला बच्चों को, लिंक एक्टिवेट नहीं होने की वजह से फिर से नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस में 19 तारीख का डेट दिया गया, साथ ही 19 को भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। अब आप यहां देख पाओगे कि 23/10/2024 को लिंक एक्टिवेट हुआ और 3/11/2024 लास्ट डेट है। यानी कि कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि सर 27 तारीख यानी कि आज की लास्ट डेट है, तो आज की लास्ट डेट नहीं है, ये कन्फर्म है, 3/11/2024 इसका अंतिम तिथि है। राउंड की काउंसलिंग इस प्रकार चलेंगी। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, कोई भी बच्चा कहीं भी एडमिशन लेने की तैयारी कर रहा है, चलो आप हमारे पास एडमिशन नहीं ले रहे हैं, हमारी वीडियो को वॉच करते हो, देखते हो, आपको बताना चाहूँगा समय आपको बहुत कम मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट राउंड आप लोगों का अलॉटेड होगा 5/11 को शाम को 3 बजे लिस्ट आएगी, और 6/11 को यानी कि 6 तारीख को ही आपको फीस जमा करा के अपना एडमिशन कंफर्म कराना पड़ेगा। अब कई बच्चों को 5 तारीख को पता चलेगा कि कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, वो बच्चा होश में आएगा, तब तक उसका टाइम जा चुका होगा। सेकेंड राउंड 7 से 9 चलेगा, थर्ड राउंड है वो चलेगा 11 से लेके 13 तारीख के बीच में, यानी कि 3 राउंड की काउंसलिंग अभी चल रही है, इसके बाद सीटें वैकेंट रहती हैं तो फिर नया काउंसलिंग का शेड्यूल आने की पूरी पूरी संभावना है, और काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा यदि सीटें वैकेंट रहती हैं तो। अब बात करेंगे साथी, जो आज का अपना सबसे मेन और अहम टॉपिक है कि भाई डीएलएड के अंदर यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखो, ये सभी बच्चों को पता चल चुका है कि 24-26 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो एक्टिवेट हुआ था कब से, 23 तारीख से, यानी कि जो लिंक आपका 23 से एक्टिवेट हुआ था, और 23 तारीख से लिंक एक्टिवेट होने के बाद में आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये तारीख अपने पास 27, यानी कि यहाँ आप देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर 27 अक्टूबर 2024 3:25 पे हम वीडियो को तैयार कर रहे हैं। साथ ही अब तक हरियाणा के अंदर 18,000 से ज़्यादा बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, चाहे किसी कॉलेज के थ्रू कराया हो, कंसल्टेंट साथी के थ्रू कराया हो, हमारे थ्रू कराया हो, कहीं भी कराया हो, बट 18,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुकी हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों का विषय है कि सर फीस क्या रहेगी। देखो साथी, समय कुछ चेंजमेंट है, आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, पहले आप लोगों के जब एडमिशन होते थे तो ऑफिशियल फीस में, ऑफिशियल फीस से कम में 25,800, 50,000, 55,000 रुपए तक एडमिशन बच्चों का आराम से हो जाता था। बट आज के दिन जो डिमांड है, मार्केट की जो डिमांड है, उस डिमांड को देखते हुए कोई भी पीछे नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉलेज आपसे कम फीस लेंगे, कॉलेजों ने ऑफिशियल फीस 25,800, 50,000, 55,000 होने के बाद भी कॉलेज 80-80, 85-85, 90-90 हज़ार रुपये कॉलेज फीस की डिमांड कर रहा है, और बच्चे अब सोच रहे हैं कि कम फीस कौन लेगा, कम फीस वाले को ढूंढेंगे। साथ ही आप बिल्कुल ढूंढ सकते हो, आपके पास पूरी आज़ादी है। कोई कोई कॉलेज ऐसा भी है जो ऑफिशियल फीस में एडमिशन कर रहा है, बट मोस्टली कॉलेज ऐसे हैं जो कि 60+, 70+, 80 तक भी एडमिशन कर रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, नहीं कराया वो एक सेकेंडरी पार्ट है, नहीं कराया है तो आप एडमिशन के इच्छुक है तो आप करा लेंगे, बट मैं आपको कहना चाहूँगा जो ऑथेंटिक बंदा है, जिसने अपनी कुछ सीटें सीमित करके रख रखी हैं, सीटें बातचीत करके अपनी होल्ड कर रखी हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगा आज यदि हमारा 5 दिन के अंदर अंदर लगभग 18,000 के आसपास बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो साथी आने वाले कुछ दिनों में ये जो रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है ये 80,000 से अब वो चली जाएगी, या 60 से तो अब वो नॉर्मल से नॉर्मल जानी है, 60,000 से कम अप्लीकेशंस नहीं रहेंगी, ये कन्फर्म है। हो सकता है ये डाटा 60 से बढ़ के 70-80 तक भी चला जाए। देखो एक राउंड फिगर में मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि 80,000 बच्चों
का रजिस्ट्रेशन साइट पे होता है तो 1/4 बच्चों का एडमिशन होगा। 80,000 का मतलब है कि 4 में से केवल एक बच्चे को सीट मिलेगी, 3 बच्चे इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। हरियाणा के अंदर अप्रोक्सीमेट जो सीटें हैं वो 18-20-21,000 के आसपास हैं, यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो। एक राउंड फिगर में हमने ले लिया, यहाँ यदि हमारे पास 20,000 सीटें हरियाणा में अवेलेबल हैं, 80,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है तो 3 बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, चाहे उसने किसी भी कंसल्टेंट साथी के थ्रू एडमिशन कराया हो, कॉलेज के थ्रू एडमिशन कराया हो। आज के दिन कॉलेजों ने ये हालात बना रखी है कि जो बच्चा हमें ज़्यादा फीस देगा हम उसका एडमिशन करेंगे। ये अभी आपसे 60 में 65 में 70 75 किसी भी फीस में हाँ भर रहे होंगे, कोई ऑफिशियल फीस में भी भर रहा होगा। जब बच्चों के अलॉटमेंट आने स्टार्ट होंगे तब आप देखना इनका यू टर्न कैसे ये लेते हैं और किस प्रकार से बच्चों की जेब के ऊपर बोझ पड़ने वाला है। दूसरी बात बताना चाहूंगा, बहुत सारा बच्चा ये सोच रहा है कि हमने एडमिशन्स कराएंगे तो हम इंस्टॉलमेंट के अंदर फीस दे देंगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि हम कॉलेज को स्टार्टिंग में 15,000 डिपॉजिट करा देंगे या फिर कॉलेज हमसे 15,000 के बजाय 20K में ले लेगा एडमिशन। कई बच्चे 10K या इससे कम फीस में भी एडमिशन लेने के इच्छुक होंगे, बट साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो कॉलेज के द्वारा एक ही बात कही जाएगी कि फर्स्ट ईयर की फीस हमारी 70,000 है, सॉरी दोनों ईयर की फीस 70 है, 80 है, जो भी एक राउंड फिगर में वो फीस बताते हैं, उसका हाफ यानी कि 50% आपको उसी टाइम पे डिपॉजिट कराना होगा। जो बच्चा कंप्लीट फीस डिपॉजिट नहीं कराएगा उसको यहाँ एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज के दिन जो एडमिशन्स की मांग है वो बहुत ही मार्केट तो नहीं कहूँगा मैं, जो एजुकेशन्स के अंदर कॉलेजेस में जो JBT एडमिशन्स की जो डिमांड है, डीलर्ड एडमिशन की जो डिमांड है वो बहुत ही मतलब कि बूम के ऊपर है। हर बच्चा डीलर्ड करना चाहता है क्योंकि 23-25 सेशन हरियाणा में क्लोज हो गया था, 23-25 का एडमिशन नहीं हो पाया था, फिर भी बच्चा चाहता है कि सर 24-26 में एडमिशन हो। मध्य प्रदेश के अंदर 1,00,000 रुपये में एडमिशन हुए हैं, कुछ राहत बच्चों को यूपी उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन बेस पर एडमिशन स्टार्ट होने की वजह से भी मिली है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हरियाणा के अंदर जिन भी बच्चों ने एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है सभी बच्चों का एडमिशन यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ केवल और केवल 1/3 और 1/4 बच्चों को ही सीट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 3/11/2024 है और जो भी साथी एडमिशन लेने का इच्छुक है तो भाई हमने भी अपने लेवल पर कुछ सीटें बुक करके रख रखी हैं, बट वो उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो स्टार्टिंग में हमारे पास दाखिला कराएगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी तो कहीं भी घूमा फिरी कर रहे हैं, किसी भी साथी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जब आपको ये पता चले कि आपका तो अलॉटमेंट लिस्ट में नाम ही नहीं है, फिर आप यू टर्न लेके आते हैं कि उपेंद्र सर के पास जाएंगे, वहाँ सीटें मिल जाएंगी, एडमिशन करा देंगे। साथ ही उस टाइम तक हमारा जो डाटा है वो भी ख़त्म हो चुका होगा, हमारा जो स्टोरेज है वो भी ख़त्म हो चुका होगा। तो कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को यदि एडमिशन कराना है तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है, 9461179859। सीमित सीटें हमने रख रखी हैं और उन्हीं सीटों पर उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो पाएगा जो 3 नवंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। देखो रजिस्ट्रेशन का लिंक बाद में भी एक्टिवेट होगा क्योंकि जो 3 राउंड की काउंसलिंग है उसके बाद सीटें वैकेंट रहेंगी, तो 3 नवंबर के बाद में काउंसलिंग चलेगी और नवंबर के लास्ट वीक में फिर से एक बार लिंक एक्टिवेट होगा, बट तब तक जो है सब्जी मंडी से सब्जी उठ चुकी होगी, आपको कुछ हाथ लगेगा नहीं लगेगा उस समय की बातें हैं। बट मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखे, थोड़ा सा अपने आपको सेफ जोन में लेके जाने की कोशिश करें। यदि आपको साल बचाना है, कुछ बच्चा पैसा बचाना चाहते हैं, कुछ बच्चा साल बचाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप बचा सकते हैं, आपके पास पूर्ण रूप से अधिकार हैं। बट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ ही दिन मात्र बचे हुए हैं, आज 27 तारीख हो चुकी है, 3 नवंबर लास्ट डेट है, 28, 29, 1, 2 और 3 मात्र से मात्र आपके पास 5 दिन का टाइम है। बीच में आपका जो अपना दिवाली का जो फेस्टिवल है वो आएगा, उसकी वजह से भी आप लोगों को 1-2 दिन की छुट्टियाँ बितानी पड़ेंगी, तो उस वजह से भी आप लोगों को थोड़ा सा नर्वस होना पड़ेगा। तो साथ ही फिलहाल की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी ताकि बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और जैसा भी आपको उचित लगे एडमिशन करवा लें, जहाँ भी हो रहा है कम फीस में हो रहा है कम में कराएं, ज़्यादा में हो रहा है ज़्यादा में कराएं, बट एडमिशन तो आपको कराना ही पड़ेगा। और फिलहाल की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी, जल्द ही आएंगे एक नई वीडियो के साथ, बच्चों के कॉमेंट्स का रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।